उत्तराखंड में लगातार कोरोना का कहर जारी है और हर दिन के साथ कोरोना पॉजिटिवों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जिसने सबको परेशान किया हुआ है। वहीं चंपावत में भी एक रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद से प्रशासन में हड़कंप मच गया है। आनंद फानन में कोरोना पॉजिटिव को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि ये मरीज एक बस को किराए पे लेकर 17 लोग 18 मई को चंपावत पहुंचा था और घर जाने के बाद ही इन सभी को क्वारंटीन किया गया। अब एक लोग की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद इनके संपर्क में आए लोगों की भी जांच कराई जा रही है। वहीं जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आर के जोशी ने बताया कि लोहाघाट से लाए गए कोरोना पॉजिटिव का जिला अस्पताल में बनाए गए कोविड डेडिकेटेड सेंटर के आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। मरीज की हालत ठीक है, सेंटर में उनकी नियमित रूप से देखरेख की जा रही है। हमको वहाँ से खबर मिली थी कि लोहाघाट में एक केस जो है वो पॉजिटिव आया हुआ है, जिसको लोहाघाट ट्रॉमा सेंटर में रखा गया, जो आइसोलेशन बनाया रखा उन्होंने वहाँ पे। तो बाद में जो है वो आज वो पेशेंट जो है वो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में PCHC जिसे कहेंगे हम, उसमें शिफ्ट किया गया। और यहाँ पे हमारे पास व्यवस्था पर्याप्त है और हमारा जो सस्पेक्टेड और आइसोलेशन का हमारा अलग अलग हमारा वार्ड्स हैं, तो जो पॉजिटिव केस वहाँ से आया हुआ है तो उसको हमने एक आइसोलेशन वाले वार्ड में रखा हुआ है। और सस्पेक्टेड केस जो है हमारे पास इस समय हमारे पास एक है, एक और आने वाला है, तो दोनों को हम लोगों ने सस्पेक्टेड वाले वार्ड में रखा हुआ है। हमारी तैयारी पूरी है, लेकिन हमारे एहतियात हमारे खासकर हमारे जो मेडिकल वर्कर्स हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे जो पैरामेडिकल्स हैं, उनको हमने पूरी एहतियात रखने को कहा है। और वैसे भी जो गाइडलाइंस हैं एहतियात रखने की, वो सबके लिए प्रूफ थी, चाहे वो जनरल आदमी हो चाहे वो मेडिकल वाला हो। तो हमारी कोशिश पूरी है कि हम इसको अच्छी तरह से मैनेज कर जाएं, और अगर ज़्यादा कहीं प्रॉब्लम आती है, पॉजिटिव केस अगर ज़्यादा बिगड़ता है, ज़्यादा दिक्कत होती है, तो उसको हम लोग सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज, जो हमारा DCH है, वहाँ भेजें। जानकारी के अनुसार डेसली गांव का 34 साल का ये युवक मुंबई में ड्राइविंग करता था। बुखार आने की शिकायत होने पर युवक को क्वारंटीन सेंटर से 22 मई को लोहाघाट आइसोलेशन में शिफ्ट किया गया था। बता दें कि अब जिले में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 8 हो गई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंपावत से हरीश पांडे की रिपोर्ट।